वेलकम फ्रेंड, आज हम जानेंगे रोसुवास्टैटिन टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस टैबलेट के ब्रांड नेम के बारे में और इस टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में और इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में और इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें और इस टैबलेट को किस किस बीमारियों में नहीं लिया जाता है और सबसे लास्ट में जानेंगे इस टैबलेट की डोजिस के बारे में। तो चलिए अब हम जानेंगे रोसुवास्टैटिन टैबलेट के बारे में। तो रोसुवास्टैटिन 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो ये इसका जेनिक नाम है। अब इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि रोसुवास टैबलेट, रोज डे टैबलेट, नोबा स्टेट टैबलेट, रोजू स्टेट टैबलेट आदि। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए किया जाता है और इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मतलब कि हृदय की कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण हृदय पूरी तरीके से कार्य नहीं करता है। और इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है एंजाइना, मतलब कि हृदय के रिलेटेड सीने में दर्द होना, और इस टैबलेट का इस्तेमाल हार्ट अटैक को रोकने में भी किया जाता है। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। तो जैसे कि एलर्जी होना, लीवर एंजाइमों में वृद्धि होना, कब्ज होना, हड्डियों या मांसपेशियों में दर्द होना, सिर दर्द होना, मितली आना, दस्त होना, चक्कर आना आदि। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। तो इस टैबलेट को अपने डॉक्टर के अनुसार लें और इस टैबलेट को साबुत निकला जाता है, इसे तोड़ें या कुचलें नहीं, और इस टैबलेट को भोजन करने से पहले या बाद में भी लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये होगा कि इसे एक निश्चित समय पर लें और इस टैबलेट को रात को लेना चाहिए। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट को किस किस बीमारियों में नहीं लिया जाता है। तो जैसे कि शुगर होने पर इस टैबलेट को नहीं लिया जाता है, गुर्दे की बीमारी होने पर इस टैबलेट को नहीं लिया जाता है, लीवर की बीमारी होने पर इस टैबलेट को नहीं लिया जाता है, शराब की लत होने पर भी इस टैबलेट को नहीं लिया जाता है। यदि आपको इनमें से कोई भी बीमारी है तो अपने डॉक्टर से सूचित करें। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट की डोजिस के बारे में। तो इस टैबलेट को मरीज की कंडीशन के अनुसार दिया जाता है। तो इस टैबलेट को एडल्ट के लिए 5 मिलीग्राम से 40 मिलीग्राम दिन में एक बार लिया जाता है। दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।